हेलो एवरीवन गाइस, लॉट ऑफ पीपल आर थिंकिंग दैट बैंक में पैसे नहीं रखने हैं। वैसे भी लोग डिपॉजिट्स कम रख रहे हैं। क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो हमने बात की थी पहले वीडियो में कि काफ़ी ज़्यादा होता जा रहा है और बैंक्स के प्रॉब्लम्स अलग है। बट बियॉन्ड ऑल दिस, फॉर द कंज्यूमर यानी फॉर द बैंक कस्टमर, अपने को बैंक से मिलता क्या है? सेविंग बैंक अकाउंट 3.5%, मैक्सिमम 4% होगा। अगर आपको ज़्यादा मिल रहा है तो आप कॉमेंट में बताइए कौन सा बैंक है जो आप पे दया कर रहा है। सी, द बैंक्स आर गेटिंग देयर कर्मा। ओके, जो बैंक 7-10% भाई, बैंक्स को किसने रोका है? आप 12% इंटरेस्ट दो, लोग पैसे रखेंगे आपके बैंकों में। बट दे आर नॉट गिविंग इंटरेस्ट, तो लोग क्यों रखेंगे भाई? जब बाजार इतना ऊपर है, जब म्यूचुअल फंड्स आर डूइंग वेल, सो व्हाई वुड वी कीप मनी विद द बैंक्स? बट द पॉइंट इज बियॉन्ड दैट, व्हाट इफ़ आई वॉन्ट टू कीप माई मनी एमरजेंसी कॉर्पस? एक 5-6 लाख का एमरजेंसी कॉर्पस रखना है लेकिन बैंक में नहीं रखना है क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम है। अब आप बोलोगे एमरजेंसी कॉर्पस में इंटरेस्ट रेट, हाँ क्यों नहीं भाई, जब पैसा रखा है कहीं ना कहीं तो उसमें इंटरेस्ट रेट तो मायने रखता है ना। तो उसी पर्पस के लिए, अच्छा वन मोर थिंग, 5 लाख तक ही पैसा आपके बैंक अकाउंट में बैंक गारंटी देता है। 5 लाख के ऊपर, सपोज़ किसी के बैंक अकाउंट में 15 लाख या 20 लाख या 50 लाख है और टुमारो समथिंग गोज रॉन्ग, गॉड फॉरबिड समथिंग गोज़ रॉन्ग एंड वो बैंक बंद हो गया या उस पर ताला लग गया या कुछ गफला हो गया, ऐसा कुछ अगर हो गया तो एज़ पर द इंश्योरेंस जो बैंक का रहता है, जो आपके पैसे का है, सिर्फ 5 लाख तक बैंक आपको वापस करेगी। द बैंक्स आर ओनली लाइबल टू पे अस मनी बैक टिल 5 लाख, नॉट बियॉन्ड दैट। तो वैसे भी टेक्निकली उसके ऊपर उसमें रखने का सेंस नहीं है। तो दैट्स वाई फॉर दिस पर्पस वी हैव समथिंग नोन एज लिक्विड फंड्स। आई डोंट थिंक इसको उस तरह से कभी पेश किया गया या किसी ने सोचा होगा, बट लिक्विड फंड्स आर म्यूचुअल फंड्स। जैसे फॉर एग्जांपल, नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन, कोई भी आप लिक्विड फंड देखिए, उसमें 6-6.5% अगर रिटर्न मिल रहा है। आजकल तो लिक्विड फंड्स में 7.2% मिल रहा है। लिक्विड फंड क्या होता है कि आप कभी भी पैसा डालो, कभी भी निकालो, नो कमिटमेंट लाइक FD, इट्स एन ओपन रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड द फंड, कोई टॉक्सिसिटी नहीं है, कुछ नहीं है। अगर आपने 2 हफ्ते तक पैसे रखा है तो जितना उसका एनुअल रिटर्न है प्रोपोर्शनल 2 हफ्ते का एनुअल रिटर्न के हिसाब से मिल जाएगा। इट्स लाइक अ बैंक अकाउंट, उसको बैंक अकाउंट की तरह ट्रीट कीजिए क्योंकि उसमें आपके बैंक अकाउंट से डबल इंटरेस्ट आपको मिल रहा है। एन एवरेज लिक्विड फंड विल गिव यू 6.5-7%, कम एनी टाइम, गो एनी टाइम। FD में आप अगर कमिटमेंट करते हो या रिकरिंग डिपॉजिट करते हो तो आपको वो करना पड़ेगा, नहीं तो फिर पेनल्टी लगेगी, फीस लगेगी, 50 तरह के झमेले हैं। बट लिक्विड फंड इज़ एन ओपन रिलेशनशिप, आप जाइए पैसे डालिए, 2 हफ्ते बाद निकालना है, एमरजेंसी कॉर्पस है वैसे भी, जब चाहिए निकालो। जितना टाइम पैसा उस फंड में है 6.5-7% अच्छे खासे लिक्विड फंड आपको दे देते हैं। लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस, और क्या इससे आपका कोई प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं, ज़रूर बताइए।